सो कमिंग टू मिक्स ग्लिस राइट अगेन इस आर वन आर टू आर थ्री लिखने हैं बट और डिफरेंट लिखा जिस तरह कि इतने मैं स्टीरिक एसिड वाला पार्ट लिखे दैन लटस्ट राइट पामिटिक एसिड रेजिड्यू सी फिफ्टीन एच थर्टी वन एंड आई एम राइटिंग हेयर ऑलिक एसिड रेसिट्यू सो अगर अस फर्स्ट थिंग दिस इज मिक्स्ड ग्लिसराइड और अगर अस इसमें नेमिंग करनी है दिस कार्बन कैन बी टर्म दिस पोजिशन कैन बी टर्म्ड एज अल्फा एंड दिस इज अल्फा डैश एंड दिस इज बीटा सो वी कैन राइट अल्फा दिस इज टीरिक एसिड अल्फा टीरियो अल्फा स्टीरियो दैन बीटा पामिटो एंड अल्फा डैश दिस इज ओलिक एसिड दैन ओलिन मीनस इन्हू असी एज सबसीटेंट ट्रीट कर रहे हैं ग्रुप में और लास्ट वाल जो है उसमें उस मेन मेन चेन कंसीडर कर रहे हैं सो so, अगर सबसीटुएंट है तो उन्होंने एंड ओ आ जाएगा जिस स्टीरिक एसिड स्टीरियो पामिटिक एसिड पामिटो एंड इफ इट इज़ ओलिक एसिड ओलियो एंड सो ऑन बट इतें अस्ट चेन असी कंसीडर किया है मेन चेन तो इट इज़ ओलिन अगर अस इस लास्ट कंसीडर कर दें दैन इट इज़ अल्फा बीटा अल्फा डैश दैन इट शुड बी रिटन एस अल्फा ओलियो अल्फा पामिटो एंड बीटा पामिटो अल्फा डैश स्टीरिन सो इस तरीके अ लिख सकते हैं uh, So, इस तो बात अगर अभी इस आ, आ, आर ग्रुप की गल करते हैं तो आर ग्रुप वी कैन बी सैचुरेट और अनसैचुरेटिड जिस तरह कि अगर आर ग्रुप सैचुरेटिड है जिस तरह कि असी इग्जैंपल लीती है स्टीरिक एसिड वाले पार्ट से स्ट्राइ स्टीरियन पार्ट की तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ अराउंड थ्री थर्टी फोर कैलवीन एंड इट इज़ सॉलिड एट रूम टैंपरेचर so room temperature means when temperature is 25 degree 298 kelvin and if we take example of olein trigorlin which is having oleic acid residue part c17h31 and let us take simple triglyceride. simple means all the r units they are identical सो ऑल द यूनिट्स आर सेम सो इट इज़ ट्राई ओलिन और इस की है सारे अनसैचुटरी फैटी एसिड रेजिड्यू है और दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 268 सिक्सटी सो ए इग्जैम्पल्स दो मैं दतिया ने एक है ट्राईस्टीरिन जिसे सारे ही सैचुरेटेड फैटी एसिड रेजिड्यू है इट इज सॉलिड एट रूम टैम्परेचर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट दैन द अनदर इ एग्जाम्पल इज अगेन ऑफ सिंपल ट्राइग्लिसराइड बट हैविंग ओनली अनसैचुएटिड फैटिड रेजिड्यू ट्राई ओलिन दिस इज़ हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज लिक्विड एट रूम टैम्परेचर सो नाउ वी कैन एक्सप्लेन द केमिकल डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स क्योंकि हूं तक फैट्स और ऑयल्स में इकट्ठा लिख रहे हैं बट द मेन डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स इज दैट द फैट्स एंड द ट्राइग्लिसराइड्स विच कंटेन मोर प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटिड फैटी एसिड दे आर सॉलिड एट रूम टैम्परेचर एंड दे आर नोन एज फैट्स बट द अदर ट्राइग्लिसराइड्स विच कंटेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ दिज टाइप ऑफ ट्राइग्लिसराइड यूनिट्स

क्रिस्टलाइन पैटिंग पैकिंग है वो अच्छे तरीके नहीं होंगी एज कंपेयर टू ट्रांस सो अगर ट्रांस होएगा बल्कि ग्रुप्स जोड़े हैं वो समेट्रीकली प्लेस होंगे तो उस ना उन्हों की जो पैकिंग है कंपेरेटिवली क्लोज पैकिंग होएगी एंड दे विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिस् जोमैट्री एक्सकलूसिवली तो इन्हों की जो क्रिसलाइन पैकिंग है सोलिड स्टेट वि अच्छी तरह नहीं होएगी इट मीन्स दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे आर लिक्युड एट रूम टेम्परेचर बट अगर ही ये सैचुरेटिड फैटी एसिड है तो सैचुरेटिड का मतलब ये है जिग जैग चेन एंड दिस जिग जैग चेन फिट्स प्रॉपर्ली एंड क्लोजली इन द किसलाइन लेटिज एंड ओबियसली सैचुरेटिड फैटी एसिड दे विल हैव स्ट्रोंग फोर्स ऑफ इंट्रेक्शन विद वन अनादर एंड दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दैन नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट फैट्स एंड ऑयल्स दे आर कैमिकली दे आर द एसट्स इन विच एल्कोहल पार्ट इज कमिंग फ्राम डिसरोल एंड एसिड पार्ट इज कमिंग फ्राम द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स सो द फैटी एसिड्स मे भी सैचुरेटिड और अनसेचुरेटिड सो कैमिकली वी कैन एक्सपेक्ट दीज फैट्स एंड ऑयल्स टू शो द रिएक्शंस ऑफ एलकोहल क्योंकि अल्कोहल पार्ट है और एस्टर है एस्टर वाले रिएक्शन शो हो सकते ने और अगर इतने अनसैचुएशन पार्ट है डबल बॉन्ड है दैन इट कैन ऑल्सो शो एडिशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन एज़ वेल एज ऑक्सीडिशन रिएक्शन विच आर स्पेसिफिक फॉर एलकीन सो कैमिकली फैट्स एंड ऑयल्स दे कैन शो द रिएशन ऑफ एस्टर्स एज वेल एज द रिएशन ऑफ एलकीन सो नाउ वी स्टार्ट विद द कैमिकल रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स

So this is general representation of any fat or oil may be simple, may be mixed, saturated or unsaturated. So when it is hydrolyzed in the presence of base, so three coolants are used because there are three triesters. So we are getting alcohol, but in this case the alcohol is... ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल दैट इज ग्रिसरोल और इतो बॉन्ड कलीफ हो जाएगा और इतड बनना चाहिए बट एसिड विल रिएक्ट विद विच इज प्रजेंट इन द कंटेनर टू गिव कॉरसपॉन्डिंग सॉल्ट सो इफ यू हैव एडिड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैन इट इज सोडियम सोल्ट इफ यू आर एडिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैन वी आर गैटिंग पोटाशियम सोल्ट सो दिसज आर सोडियम सॉर्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड वी नो सोडियम एंड पोटाशियम सॉर्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर नथिंग बट सोप्स सो इट मीन्स अल्क्लाइन हाइड्रोलिस एंड ऑयल्स विल गिव सोप्स एंड दिस अल्क्लाइन हाइड्रोलिस दैट्स वाई इट इज नोन एज सेपोनिफिकेशन सो दिस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन और यही रिएक्शन जो है लैब सू वाली कंडीशन करना पैदा बट अगर असं डाइजेसटिव सिस्टम देखिए कि जो फैट्स एंड ऑयल्स है दे आर हाइड्रोलाइज टू ग्लिस्ट्रोल एंड फैटी एसिड्स विद द हेल्प ऑफ एनजाइम एंड दैट एनजाइम इज़ नोन एज लाइपीस दैन सैकेंड रिएक्शन इज हाइड्रोजीनेशन सो हाइड्रोजीनेशन मीनस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन addition of hydrogen addition means if there is carbon-carbon double bond or we can say fat and oil contains unsaturated fatty acid residue uh, they can show hydrogenation reaction so we can take unsaturated part we can take again simple or mixed glyceride and i am taking simple ग्लिसराइड विद ओलिक एसिड एज अ फैटी एसिड रेजिटिव तीन ही ओलिक एसिड तो आए हैं ट्राईओलिन इट्स मेलटिंग पॉइंट इज टू सिक्सटी एट कैलवीन एंड इट इज लिक्यूड एट रूम टेंपरेचर सो अगर अस हाइड्रोजीनेशन करते हैं क्योंकि तीन जगह इतनी डबल बॉन्ड है सो थ्री मॉलीक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आर यूज द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट कैटलिटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टैंपरेचर एंड प्रैशर सो उसकी हो जाएगा जिते डबल बोंड है नाइन्थ पोजिशन से नाइन और टेन कार्बन हाइड्रोजन एड हो जाएगी और सिंगल बोंड जनरेट हो जाएगा सो विल गैट सी सैवनटीन एच थर्टी फाइव सी सैवनटीन एच थर्टी फाइव सो दिस इज़ अगेन सिंपल ग्लिसराइड एंड दिज आर स्टीरिक एसिड एजिड्यू सो द नेम इज ट्राइस टीयरीन एंड क्योंकि सैचुएटिड पार्ट है तो एयर रूम टैंपरेचर तॉलिड है बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नाओ अराउंड थ्री थर्टी फोर कैलवेन सो दिस प्रोसैस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन एंड हेयर इट कैन ऑलसो भी नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल हार्डनिंग क्यों कह रहे हैं कि पहले लिकुड है बाद सॉलिड हो रहा है और इस लिक्विड है वो ऑयल है और बाद विच जो बन रहा है सॉलिड उसकी की कहने घी सो so, जो असी घर घी खाने हैं डालडा घी है या अलग अलग ब्रांड्स है इट कैन बी डालडा रथ और गगन कोई भी ब्रांड हो सकता है वो घी जो है वो कितों बनता है ऑयल्स तो बनता है बाय द कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन एंड दिज ऑयल्स दे हैव द प्लान वी कैन से सोर्स एक किसी जिस तरह अगर असं देखिए कि कंटेनर जो होंगे ने घी वाले डालडा घी उन्होंने कंटेनर से भी लिखा होंगे ओबटेन फ्रॉम वैजिटेबल ऑयल्स सो इसका मतलब है कि वैजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजनेशन करके घी जो है बनिया होया है बट द हाइड्रोजनेशन इज़ नॉट कैरिड टू हंड्रेड परसेंट मीनस सारे डबल बोंड्स से ही हाइड्रोजनेशन नहीं की आती सारे मोलीक्यूल क्योंकि अगर असं इस तरह करा तो यह इन्ना हार्ड हो जाएगा कि इसनों असी नॉर्मल कंडीशन किचन यूज करना मुश्किल हो जाएगा सो द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैरीड आउट टू गैट द प्रोडक्ट हैविंग घी लाइक कंसिसटेंसी जो कि कंपेरेटिवली सॉफ्ट हूँ सो दैट इट कैन बी यूज फॉर द किचन परपज़ और इस खोर परपज़ है इस रिएक्शन करने का क्योंकि इस नयल्स विच कन्वर्ट करते हैं और घी जो होंगे है उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी होंगी है और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे बट जे ऑयल्स ने वो कुछ समय रह अलग अनप्लेजेंट स्मैल आने लग, आन लग दी है जिन्होंने असं कयल जो है वह रेंसिड हो गया है ये आपेल में पढ़ा दैन थर्ड रिएशन इस हाइड्रोजीनोलिस

कॉपर क्रोमाइट हाई टैंपरेचर एंड प्रैशर कंडीशनज आर रिक्वायर्ड फॉर दैट परपजस तो उस दिन आल की होगा बॉन्ड भी ब्रेक होने इतने एसिड प्लस एलकोहल बनना बट क्योंकि असं हाइड्रोजन एड कर रहे हैं तो जो एसिड बनना स उसकी हाइड्रो उसकी रिडक्शन हो जाएगी और उलकोहल बन जाएगा सो वी आर गैटिंग गलिसरोल एंड long chain alcohols corresponding to long chain fatty acids so this is c17h35 instead of carboxylic acid we are now having alcohol part so because it is simple all the three groups are same so we are getting three molecules so this reaction is used for the manufacture of long chain alcohols which are used for the preparation of synthetic detergents बाद पढ़ा कि सिंथेटिक डिटर्जेंट किस तरह बनाए जाते हैं सो दे नीड लोंग चेन एल्कोहल एंड दिस कैन भी प्रिपेयर बाय द रिएशन ऑफ हाइड्रोजीनोलिस दैन नैक्सट रिएशन इज ट्रांस एसटेफिकेन ट्रांस एस्टेरीफिके रिएशन आप पढ़ चुके हैं कि अगर अस्टर तो दूसरा एसटर बनाया है तो असं एसटर में किसी होर एल्कोहना रिएक्ट करवा दें जिसना सेकेंड टाइप ऑफ एस्टर बन जाएगा बिकॉज ट्राई ग्रिस टाइड्स दे आर एस्टर सो वी कैन प्रिपेयर अदर टाइप ऑफ एसटर लैट एस से वी आर स्टार्टिंग विद ट्राई ओलिन सो दिस इज ट्राई ओलिन एंड इफ यू आर एडिंग मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथोक्साइड तो होएगा जो ए वाला अल्कोहल पार्ट सी ये रिप्लेस हो जाएगा इस अल्कोहल के और सी सैवनटीन एच थर्टी थ्री सी डबल बॉन्ड ओ तो उसका हूँ ग्लिसरोल न एस्टर नहीं बनेगा नाल एस्टर बन जाएगा दिस टाइप ऑफ एस्टर एंड वी आर गेटिंग थ्री मॉलिक्यूल्स प्लस जो ए अल्कोहल है वी कैन रिकवर बैक सो so, इस तरह ही रिएक्शन हो जाएगा सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ट्रांस इन विच वी आर गेटिंग मिथाइल एस्टर ऑफ द फैटी एसिड्स अगर ये मिक्स गलिसट्राइड है डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं तो साढ़े को मिथाइल एस्टर्स बन जाएंगे सारे फैटी एसिड्स है उन्होंने मिक्सर बन जाएगा सो so, हूँ की करते हैं जो ग्लिसट्रोल है इसनों असं से सैपरेट कर लिने बिकॉज गलिसट्रोल इज़ हैविंग ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਸੋਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਸਟਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਮਿਕਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਐਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਐਲਕੋਹਲਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਫਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ then another reaction is addition of iodine addition reaction it means we are talking about unsaturated fatty acid residue so again we are taking example of triolene so it is having double bond at position number 9

तु इस ओपन स्ट्रक्चर करके नाइन टेंथ कार्बन पर भी आयोडीन की एडिशन शो कर सकते हो या इसको टोटल करके इस तरह लिख सकते हो सो so, इस रिएक्शन का यूज़ की है कि डिपेंडिंग अपॉन कि किन्नी आयोडिन यूज़ हो रही है अस ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन फैट और ऑयल के कि एक्सटेंट तक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है सो दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटर्मिन द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन द गिवन सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल दैन लास्ट एक्शन इज रेंसीडिटी सो रेंसिडिटी की है जो um, किसी फैट या ऑयल सैंपल इज एक्सपोज टू वार्म एयर और मॉइस्चर फॉर ए लोंग टाइम तो उस अनप्लेजेंट समेल आती है

ऑक्सीडेशन भी हो जाती है अगर असी उस एयर पास करते हैं अगर मॉइस्चर है तो उसकी हाइड्रोलिस होती है तो की मैथड्स है इन दोनों मैथड्स न कि वी आर गैटिंग समॉल चेन एसिड्स सा छोटे छोटे फै कार्बोक्सिक एसिड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं क्योंकि समॉल चेन है सो दीज आर वोलेटाइल ए वोलेटाइल होंगे ने तो उस करके उन्हें ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਬਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ